so much. Thank you. इस घट अंतर बाग बगीचे इसी घट अंतर सात समंदर इसी में नव लख तारा इस घट अंतर पारस मोती इसी में पर खन हारा इस घट अंतर अनहद गरजे इसी कबीर सुनो भई साधो हाँ इसी में साई हमारा इसी में साई हमारा थैंक यू एवरीवन. So that was Kabir. और मैं actually शुरुआत करूँगा अपने बहुत ही बचपन से जब मैं 6-7 साल का था तब तक मैं 6-7 साल की उम्र तक एक हरियाणा के छोटे से गांव के पास एक फार्म पे पला बढ़ा और एक किसान का बेटा हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाबा बुल्ले शाह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फैज़ अहमद फैज़ कबीर रहीम और ऐसे बड़े कवियों को मैं कभी छू पाऊंगा लेकिन इट्स आई थिंक माय म्यूजिक विच ब्रॉट मी हियर इनटू दिस पोएट्री एंड हियर टुडे एंड जहाँ तक म्यूजिक की बात है म्यूजिक वही उसी उम्र के आसपास शुरू हुआ था 6-7 साल का था मैं पापा कीबोर्ड लेकर आए तो मैंने हल्का हल्का सा उसे छेड़ना शुरू किया दैट्स हाउ आई डेवलप्ड माय इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स तो वो 3-4 साल मैंने बजाया मुझे लगा कि एक बेहतर कीबोर्ड लिया जाए देन आई रियलाइज आई कॉन्ट रियली अफोर्ड अ गुड कीबोर्ड एंड Then I shifted basically yeah, sort of shifted to a guitar. मुझे लगा कि guitar थोड़ा शायद सस्ता आ जाता है और मैं शायद afford कर लूँगा लेकिन वो भी नहीं हुआ बचपन में और फिर क्या हुआ मैंने अपने cousin के guitar पे 3-4 गाने सीख लिए और कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से शहर में then we moved to कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र जैसे छोटे से शहर में गिटार टीचर्स ज़्यादा थे नहीं तो मेरे पास स्टूडेंट्स आने लगे कि मुझे गिटार सिखा दो और तब तक एक्चुअली मैं 9th स्टैंडर्ड में था शायद और मेरे पास कॉलेज के लड़के मेरे पास गिटार सीखने आने लगे तब तक मुझे पता नहीं था कि गिटार क्यों बजाते हैं तो काफ़ी बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो बेसिकली उनको मैंने कहा कि आपको गिटार सीखना है तो आप गिटार ले लीजिए तो इसी बहाने मैं भी थोड़े अच्छे गिटार पे गिटार मतलब सीखने की कोशिश कर लूँगा तो बेसिकली स्टूडेंट्स के गिटार पे मैंने गिटार सीखा कुछ साल तक वही सिलसिला चला और फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा म्यूज़िक सीखना चाहिए अब देन आई मूव टू दिल्ली गांधार महाविद्यालय में मैंने 2-3 साल ऑन एंड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स की ट्रेनिंग ली
और फिर मुझे लगा कि अब वक्त आ गया कि मुझे कुछ अपना ट्राई करना चाहिए, आई शुड ट्राई एंड कंपोज समथिंग ऑफ माय ओन. तो क्या होता था कि मैं बहुत पढ़ता तो था नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बताया कि नहीं बताया कि मैं हमेशा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, तो पढ़ाई वढ़ाई तो कभी की नहीं. लेकिन इंटरनेट पे कभी कभी मन किया तो कुछ सर्च कर लिया और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया. तो वैसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन बाबा बुल्ले शाह की उनका एक कलाम मुझे मिला जिसका नाम है माटी. उसमें मुझे माटी शब्द का इस्तेमाल बहुत मज़ेदार लगा. मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ. माटी कुदम करेंदी ही यार, वाह वाह माटी ही दे गुलजार. माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दायसवार. माटी 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 नू मारन लग गई माटी दे असवार. तो इसमें बेसिकली मुझे माटी शब्द का इस्तेमाल बहुत मज़ेदार लगा. तो मुझे लगा माटी माटी और बार बार इतना सुंदर लग रहा था आने में, तो मैंने अपने साथ रख लिया और कुछ टाइम के बाद फिर मैंने उसे उठाया और जैसे मैंने अभी गाया इस तरह से कंपोज करने की कोशिश की. तो ऐसे ही कंपोज करते करते जर्नी में मुझे एक बड़े मज़ेदार से इंसान हैं गुरपाल सिंह, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे. उन्होंने एक इनफॉर्मल सा ग्रुप शुरू किया जिसका नाम था माफिया. इनफैक्ट इट्स स्टिल देयर. सो माफिया स्टैंड्स फॉर म्यूजिशियंस आर्टिस्ट फिल्म मेकर्स इंटरेस्टिंग लोग आ जाओ. सो दैट्स माफिया. तो कंपोज तो मैं करने लगा, तीन चार गाने मैंने बना लिए, लेकिन सुनने वाले लोग तब तक थे नहीं. सो बेसिकली माफिया मेरे लिए पहला ऐसा एक्सपोजर था अननोन लोगों के सामने अपनी कंपोजिशन सुनाने का. तो उनको सुनाया मैंने, माटी सुनाया, और इनफैक्ट अजनबी लोग थे तो मेरा एक गाना भी था जिसका नाम है अजनबी, तो वो भी मैंने उनको सुनाया. तो चार लाइनें आपको उसकी सुनाता हूँ. कैन ऑल क्लैप विद मी. कल एक अजनबी से मैं मिला, पूछा जिंदगी है क्या बला. वो बोला जिंदगी तो मेरे भाई ऐसी एक पहेली है जिसे बूझने में जाने कितने चिराग बुझ गए. हे हे आहा आहा. वो बोला जिंदगी समझ न आई ऐसी ये सहेली है जिसे ढूंढने जो चले थे खुद कहीं पे खो गए. हे हे आहा आहा. सो लोगों ने पसंद किया और माटी अजनबी और कुछ और भी गाने, बेसिकली पहला ऐसा एक्सपोजर था कि उन्होंने सुना और अप्रिशिएट किया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. मैं सिर्फ एक कमरे में बैठा रहता था और अपने लिए गाने बनाता रहता था. तो वो सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद दो बैठकें हुई, कुछ और गेट टुगेदर्स हुई और लोगों ने पोइट्री मुझसे शेयर करनी शुरू की. और तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि पोइट्री में तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार. मुझे तब तक पता नहीं था कि मुझे पोइट्री पसंद है. और इसी सिलसिले में मुझे एक फ्रेंड ने एक बहुत ही सुंदर एक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जिसका कि नाम है बादल राग, वो मुझे दी और मैंने उसे रखा अपने साथ. और बेसिकली मेरे लिए एक चैलेंज सा था उसे कंपोज करना, इसीलिए मैंने उसे रख लिया अपने साथ क्योंकि वो पढ़ी ही नहीं जा रही थी मुझसे. लाइक सरित तड़ित गति चकित पवन में एंड ऑल दैट, वो पूरा दिन मैं उसको पढ़ता रहा. और शाम को जब मैंने गिटार उठाया तो वो कुछ
वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए जैसा पहले कभी हुआ नहीं था मेरे साथ बेसिकली, उस तरह से कभी नहीं हुआ कि गिटार उठाया और वो बस गाया गया। मुझे लगा कि यार मैं तो इसके लिए क्रेडिट भी नहीं ले सकता कि ये मैंने गाया या मैंने कंपोज किया है, वो ऐसे कुछ हो गया था। इतना सुंदर लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा वो भी सुना देता हूँ आपको। गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निजीरो, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निजीरो, झर 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 निर झर गिरी सर में, झर 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 निर झर गिरी सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिजल गहन कानन में, ओ आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निजीरो, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भर निजीरो। So much. It was just a small part of the song. और ऐसे सिलसिला चलता रहा और मैंने और पोइम्स कंपोज करी, जैसा कि जूही जी ने बताया कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की बोल के लब आज़ाद है कि, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कविता जिसे कि मैं आज कंक्लूड करना चाहूँगा, अवतार सिंह पाश की लिखी हुई, जिसका नाम है घास। वो बेसिकली जो भी इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं या फाइट कर रहा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के लिए और यू नो अपने राइट्स के लिए और हर चीज़ के लिए बेसिकली, जैसा कि अभी मनीषा ने बोला कि क्या क्या उनकी फ़ाइट्स रही, बट स्टिल शी ओवरकेम ऑल दैट। और लक्ष्मी अभी आप उनको सुनेंगे कुछ देर में, तो इन लोगों की जो फ़ाइट है उससे बहुत रेलेवेंट मुझे लग रही है ये कविता। और ये अवतार सिंह पाश एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी कवि रहे हैं, मुझे लगता है ये रेवोल्यूशनरी तो थी ही और उसके परे भी है ये कविता, तो मैं एक बार सुनाता हूँ आपको। मैं घास हूं, मैं घास हूं, मैं तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। बेशक बम फेंक दो विश्वविद्यालय पे, बना दो हर हॉस्टल को मलबे का ढेर, हमारी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दो, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा दो और धूल में मिला दो लुधियाना का जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरी घास का जंगल है।
मैं कहां, मैं कहां, मैं तो हाडे हर कीते कराए ते उगावांगा, मैं कहां, बंब सुट दे ओ पावे विश्व विदा लेते, बना दियो हर होस्टल मलबे दे दे, सुहागा फेर दियो बेशक साडियां चुगियां ते, मैनू की करोगे, मैं ता हर चीज ढक लवांगा, हर ढेर ते उगावांगा, बंगे नू ढेरी कर दियो, संगरूर नू मिटा दियो, धूड़ च मिला दियो लुधियाने दा जिला, मेरी हरियाली अपना कम करेगी, दो साल दस साल बाद सवारियां फिर किसे टिकट कट तो पुछनगियां, एक केड़ी थां है मैनू बरनाले उतार देना जिथे हरी घा दा जंगल है, मैं ता कहां, मैं अपना कम करांगा, मैं तुहाडे हर कीते कराए ते ओ गावांगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।